नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत से ब्लॉगर अपनी वेबसाइट या ब्लॉग को क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन मेन्यू बार बनाने की बात आती है तो उसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट या ब्लॉग में मेन्यू बार कैसे क्रिएट करें, हम अपने मनपसंद के मेन्यू बार कैटेगरी कैसे ऐड करें वर्डप्रेस की वेबसाइट या ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ओनली मेन्यू बार के बारे में। तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट एक ये है, हम इसमें मेन्यू बार क्रिएट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई मेन्यू बार आपको शो नहीं हो रहा, तो चलिए इसमें देखते हैं मेन्यू बार कैसे ऐड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्डप्रेस के मैं लॉग इन हो जाता हूँ, जैसे कि आप भी हो जाइए। अब आपको करना क्या है ध्यान से सुनिए दोस्तों, पहले हम जाएंगे कैटेगरीज में। कैटेगरी में आप क्लिक करेंगे तो एक आ रही है अनकैटेगराइज, इसको आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम डालेंगे, हमें आपके जो वेबसाइट आपके रिलेटेड है आप वही कैटेगरी ऐड करें। तो हमारी टेक से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड ही हम बता देते। तो हमारा पहला है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, यहाँ पर आप हिंदी भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, स्लग में आप डालना चाहे तो कंप्यूटर फंडामेंटल डाल सकते हैं। यहाँ क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आपको डालनी है। अगर आप डाल दोगे तो डिस्क्रिप्शन आपके मेन्यू बार में भी दिखेगी। ठीक है, तो आप इसको रहने दीजिए और आप ऐड कैटेगरी। ठीक है, पहली कैटेगरी ऐड हो गई है, ऐसे ही हम डाल देते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। सिलेक्ट भी अपना यही ले लेते हैं एंड ऐड कर देते हैं। और फिर तीसरा डाल लेते हैं कंप्यूटर जीके, कंप्यूटर न्यूज। ठीक है, ऐसे कर करके हमने चार कैटेगरी बना ली है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आपको जितना लगे आप बना सकते हैं। चलिए मैं एक और बना लेता हूँ, क्योंकि आपको सब कैटेगरी भी दिखाना है, सब मेन्यू बार भी, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक और मैं बना लेता हूँ कंप्यूटर कंप्यूटर और क्या हो सकता है दोस्तों, कंप्यूटर सिक्योरिटी हो सकती है, तो चलिए सिक्योरिटी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक इंटरनेट की बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने काफी कैटेगरी जनरेट कर ली है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसा ही रहने दीजिए, आपको कुछ नहीं करना। अब हम जाते हैं यहां से सीधे ओ कहां पर अपीयरेंस में, मेन्यू बार में हम जाएंगे मेन्यूज में। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से जाना है कैटेगरी में और व्यू ऑल कैटेगरी। तो आपकी ये कैटेगरी है, तो चलिए मैं ले लेता हूं अपने आप पर ये कंप्यूटर सिक्योरिटी और इंटरनेट। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गई, चलिए मैं ब्रेक पे जाता हूँ, यहाँ पर फिर से आता हूँ। बी वॉल कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर जीके, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर न्यूज, कंप्यूटर सिक्योरिटी, इंटरनेट एंड आपको दबाना है एड। यहाँ पर कैटेगरी आ गई है, यहाँ पर इसको अपन रिमूव कर देते हैं, हमारे कुछ काम की नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जाना है आपको, करना है क्रिएट मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट मेन्यू के बाद आपको मेन्यू बार का नाम देना है, मेन्यू फर्स्ट। ठीक है, चलो रहने दीजिए, आप यही रहने दीजिए। अब यहाँ प्राइमरी है कि ऑटोमेटिकली एड न्यू टॉप लेवल पेजेस दिस मेन्यू बार, तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते, लेकिन मैं प्राइमरी मेन्यू कर देता हूँ एक्टिवेट। और आप एड यू पेजेस को भी एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, सेविस पे जाते हैं हम। सेविस पे जाने के बाद चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे मेन्यू बार आ चुके हैं कि नहीं, तो हम रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट को। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ मेन्यू बार आ चुके हैं, हम जिन जिन मेन्यू बार में जाएंगे वहां वहां ये आपको लेके जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों हमको सब मेन्यू बार बनाना है, तो उसके लिए क्या करें दोस्तों, तो दोस्तों सब मेन्यू बार के लिए, जैसे कि आपको कंप्यूटर न्यूज के अंदर ओनली कंप्यूटर न्यूज के अंदर आपको डालना है आज तक न्यूज। ठीक है, सपोज करो मैं ऐसे ही और एबीपी न्यूज, तो हम सब मेन्यू बार भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं
सॉरी, यहाँ पर मुझे फिर से कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो मैं कंप्यूटर न्यूज के अंदर जीके का कंप्यूटर जीके डाल देता हूँ। तो देखिए, कंप्यूटर न्यूज आपकी ये कहाँ है, ये है। तो मैं इसको जीके को ड्रैग करूंगा माउस से, और इसको थोड़ा राइट ले जाऊंगा, छोड़ दूंगा। तो इसके सब मेन्यू बार बन गए। कंप्यूटर सिक्योरिटी को मैं कंप्यूटर न्यूज में डाल सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये सब मेन्यू बार बन गए। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। हमने सेव चेंज सेव मेन्यू बार नहीं किया है, सेव जरूर कर लें। तो यहाँ सब मेन्यू बार बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे और इसको भी रिफ्रेश करेंगे। हाँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा सब मेन्यू कंप्यूटर न्यूज के अंदर ये आ गया है, ठीक है। अब इस तरह से एक सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो गड़बड़ हुई है यहाँ पर। तो आप इसको ऐसा करेंगे, ऑफिस सेव चेंजेस करेंगे, तो यहां पर रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए, यहां पर हम हमारा सब मेन्यू बार बन गए। तो इस तरह से आप भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में मेन्यू बार क्रिएट कर सकते हो, उसके सब मेन्यू बार बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा और आपने वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग के अंदर मेन्यू बार बनाना सीख लिया होगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय।